दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। निसान ने अपनी ऑल न्यू किक्स को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू निसान किक्स फेसलिफ्ट के बारे में। आपको इंडिया में निसान किक्स फेसलिफ्ट में क्या ऑफर करा जा रहा है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि निसान किक्स फेसलिफ्ट में आपको दिया जा रहा है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपने ऑटो एक्सपो में जरूर देखा होगा। ये इंजन अपने सेगमेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है। 156 पीएस और 254 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलेगा। किया सेल्टॉस और क्रेटा से ज्यादा पावरफुल इंजन है और माइलेज भी इस इंजन का 15.6 केएमपीएल का कंपनी ऑलरेडी क्लेम कर रही है। अब हम चलते हैं निसान किक्स के लुक्स के ऊपर। जो नई निसान किक्स आपके सामने आई है, ये आपको न्यू एंगुलर लुक इसमें देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखेंगे जो इनकी वी मोशन सिग्नेचर ग्रिल है, काफ़ी अच्छी कर दी गई है। फुल एलईडी आपको इसमें हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रीमियम और एक क्लासिक लुक इसको ज़रूर दे रहे हैं। जो रियर में इसमें टेल लैम्प मिलते हैं, इसमें भी बूमरैंग करेक्टर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको टाटा हैरियर से मिलते जुलते लगेंगे। 5 लग नट्स का आपको इसमें पूरा दिया गया है। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और नई निसान किक्स का लुक अभी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। इंटीरियर में आप किक्स को पहले से ही जानते हैं, काफ़ी स्पेशियस कैबिन आपको इसमें मिलता है। और जैपनीज गाड़ीज़ में ज़्यादातर आपको स्पेशियस ही मिलता है कैबिन, चाहे आप होंडा की बात करें, और यहाँ निसान तो अपनी बात एक बहुत एक अच्छी तरीके से काफ़ी बढ़िया लेआउट मुझे इसका लगता है। इंटीरियर देखेंगे तो डुअल टोन पूरा इंटीरियर इसमें दिया गया है। डी कट स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है और डार्कर शेड ऑफ टैन और जो थोड़ा ब्लैक शेड है, काफ़ी इसको स्पोर्टी बनाता है। जो बूट स्पेस आपको दिया जाता है, वो आपको नॉर्मल जो आपको किक्स है उसी के नियर अबाउट देखने को मिलेगा। लेकिन जो निसान किक्स फेसलिफ्ट इंडिया में आ रही है, उसमें चेंजेस किए गए हैं इंजन और लुक्स के ऊपर। कोई भी आपको फ्रेम का चेंज नहीं किया गया, कोई चेजी को चेंज नहीं किया गया, डायमेंशन सेम रखी गई है। तो आपने अभी देखा होगा कि 432 लीटर का बूट आपको अभी देखने को मिला, लेकिन इंडिया में आपको 400 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया, ये भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। क्या है इस निसान किक्स का पूरा राज, ये भी अभी हम जानेंगे। और जो ये इंजन आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, ये सेल्टॉस के 1.4 टर्बो पेट्रोल से ज़्यादा पावरफुल कैसे है, ये भी अभी हम देखेंगे। और इसमें कई जगह आपको ईवी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सिस्टम कैसे निसान किक्स में सब कुछ दिख रहा है हमें, ये भी जानेंगे अभी। सबसे पहले आप जान लीजिए, निसान ने अपनी किक्स को थाईलैंड में परसों लॉन्च करा है, यानी कि 2 दिन हो रहे हैं अभी, और बिल्कुल तबाही है इस सेगमेंट में। आज तक ऐसी गाड़ी कभी भी लॉन्च नहीं हुई है, और अभी इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद आप भी कहेंगे इस गाड़ी को कल ही इंडिया में लॉन्च करो। और ये क्रेटा और सेल्टॉस से ज़्यादा स्मार्टर और ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, वो भी कैसे होगा वो भी अभी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं निसान किक्स फेसलिफ्ट में आपको मिल क्या रहा है। निसान किक्स फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। अब पहला K9K सीरीज का इसका डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है, जो डस्टर में भी मिलता था आपको, टेरेनो में तो डिसकंटिन्यू हो गई है, और कैप्चर में मिलता है आपको। 110 पीएस की पावर है, 3850 आरपीएम से अच्छी रेंज है पावर इसकी, 240 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क है, जो कि कम है सेल्टॉस के मुकाबले, ये मैं मानता हूँ। 1750 आरपीएम पे आपको पावर मिलती है और केवल मैनुअल में आता है, 6 स्पीड के मैनुअल। और जो इसका पेट्रोल इंजन है H4K सीरीज का 1.5 लीटर का, ये भी अच्छे पावर फिगर है इसके 1.5 लीटर के हिसाब से। 106 पीएस की पावर है, जो कि 5600 आरपीएम पे आपको मिलती है, और 142 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क, जो कि 4000 आरपीएम पे मिलता है। अब आप कहेंगे ये क्रेटा से थोड़ा कम मुझे लग रहा है, लेकिन आप आरपीएम को भी देखिए, कम आरपीएम पे आपको अच्छी पावर अच्छी टॉर्क दे रहा है, और लेकिन इसका जो गेयरबॉक्स है ये 5 स्पीड का मिलता है। बेस मॉडल में किक्स इंडिया में आपको 2 एयरबैग देती है, और टॉप मॉडल में आपको साइड एयरबैग और दिए जाते हैं। और अगर आप फीचर फ्रंट में बात करते हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल्स ऑफर किया गया है, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरे के लिए जानी जाती है किक्स इंडिया में। 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑलरेडी मिलता है, और 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर अभी इन्हें थाईलैंड में दिखाया हुआ है। निसान कनेक्ट का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत सारे फीचर कवर कर देता है। ब्लू लिंक या फिर यूओ कनेक्ट की तरह इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन तब भी बहुत काम करता है। वॉइस कमांड का फीचर मिलता है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, जो कि एक बहुत ही माइक्रो या फिर माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से भी नीचे की बात है। लेकिन जो थाईलैंड में लॉन्च करा है, वो बिल्कुल एक फुल हाइब्रिड सिस्टम है और एक सीरीज हाइब्रिड सिस्टम है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखी होंगी, तो उसमें होता क्या है, जब आप
अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करेंगे, चाहे आप टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, एमजी हेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर आपको कोना जो ऑलरेडी ह्यूंडई की ऑफर्ड की गई है उसकी बात करते हैं। तो उसमें होता क्या कि जब आप उसको चार्ज करेंगे उसकी बैटरी चार्ज होंगी और फिर उसके बाद चाहे 6 घंटे लगे, आधा घंटे लगे या फिर 18 घंटे लगे, उसके बाद गाड़ी 200 या फिर 400 किलोमीटर जितनी भी उसकी बैटरी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग रेंज कवर करेगी और बैटरी खत्म होगी। फिर उसके बाद आपको फिर से उसको चार्ज करना होगा और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कभी सोचा कि कई कोई ऐसी गाड़ी हो कि उसमें हो तो इंजन चाहे पेट्रोल या फिर डीजल, लेकिन वो इंजन में एक जनरेटर को लगाया गया हो, उन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और उससे बैटरी को चार्ज किया जाए और वो बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करे और वो मोटर आपके व्हील से कनेक्टेड हो। तो यही कॉन्सेप्ट निसान ने यूज़ करा है जो कि इसका ई पावर कॉन्सेप्ट है। थाईलैंड में इसे लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हम आते हैं अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो आपको वही मिलेगा ना जो मैं अब आपको बताऊंगा। यह है इसका 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, बिल्कुल जैपनीज इंजन है, टर्बो इंजन है, 1330 सीसी का इंजन है, 1330 सीसी का इंजन है। और इसकी खास बात यह है ये एक तो 4 सिलेंडर इंजन है और इसमें निसान GTR की इंजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है जिसको कहा जाता है यूनिक सिलेंडर कोटिंग टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके की मिरर बोर कोटिंग इसको माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपके नॉर्मल इंजन्स होते हैं उसमें जो आपको इंजन की स्लीव्स होती है उसमें काफ़ी हार्डनिंग के लिए काफ़ी बार टेम्परिंग हार्डनिंग काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है, नाइट्राइडिंग की जाती है, लेकिन इसमें निसान ने क्या किया है कि इसमें मेटल स्प्रे थर्मल डिपोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है जिसमें कि आयरन को मोल्टन स्टेट में स्लीव में डिपॉजिट किया जाता है। उसे होता क्या कि एक मिरर बोर कोटिंग एक अचीव की जाती है और उससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, जो स्लीव की थिकनेस है वो भी थोड़ी कम अगर यूज़ करें तो काम चल जाता है, इंजन लाइट वेट हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है और बेटर हीट कंडीशन अचीव होती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये निसान थाईलैंड में लॉन्च की गई है। ये इसका एक तरीके से मैंने आपको ई पावर सिस्टम बताया जो कि अभी आप देख चुके होंगे। 260 Nm का टॉर्क देता है ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम जो इनका है और 129 PS की मैक्सिमम पावर है। ये जो अभी आप इंजन देख रहे हैं ना तो ये आप निसान की किसमें देख चुके हैं, गो के अंदर देख चुके हैं और गो प्लस के अंदर देख चुके हैं। ये इनका 1200 cc का इंजन है और इसका कोड आप जानते होंगे, HR12DE सीरीज का एक डीजल इंजन ना पेट्रोल इंजन है सॉरी, 3 सिलेंडर का इंजन है, 12 वाल्व टोटल आपको मिलेंगे, 4-4 पर सिलेंडर 3 सिलेंडर है इसमें, 67 पीएस की इसकी पावर है और 104 एनएम का ये इंजन टॉर्क देता है। लेकिन ये इंजन आपके व्हील्स को नहीं चला रहा है, ये इंजन एक जनरेटर को चलाएगा, जैसे आपने शादियों में देखा होगा और होंडा का जनरेटर होता है, तो ये जो इंजन है ये एक जनरेटर को चला रहा है जो कि जीरो वाइब्रेशन जनरेटर है। 260 Nm का टॉर्क जो दे रही है ये इसकी मोटर्स देती है और ये जो इसकी मोटर है हम इंडिया में काफ़ी लोग कहते हैं और कंपनीज भी हमसे कहती है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है वो 0 RPM से अपना मैक्सिमम टॉर्क दे देती है, लेकिन ये गलत बात है। ये 500 RPM से लेकर 3008 RPM तक इसका टॉर्क स्प्रेड आउट होता है, उससे कम 500 से नीचे पे कम टॉर्क देती है लेकिन पूरा टॉर्क नहीं देती है। ये मैं फन फैक्ट कहो या फिर एक काफ़ी टेक्निकल फैक्ट आपसे शेयर कर देता हूँ जो निसान की तरफ से मुझे भी पता चल नहीं है। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है ये केवल 1.57 kWh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है, बहुत kWh की, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी चलाएंगे आपका इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंजन आपकी गाड़ियों को नहीं चला रहा होगा, इंजन आपकी बैटरीज को चार्ज कर रहा होगा और वो बैटरीज कंटिन्यूसली मोटर को पावर दे रही होगी। तो एक तरीके से ऐसा बैलेंस बन जाता है कि जो 67 BHP का इंजन है वो जब वो इलेक्ट्रिसिटी बना के मोटर्स में पावर दे रहा है तो वो मोटर एक बर्स्ट में पावर देती है, ऐसा नहीं है, इंजन तो कंटिन्यूस 67 BHP की पावर दे सकता है और 104 Nm का टॉर्क देगा जो इसका 1200 cc का इंजन इसमें दिया गया है, लेकिन जो वो सारी चार्ज को बैटरी में स्टोर करेगा वो बैटरी जब आपको सडन एक्सेलरेशन करना है जब आप ट्रैफिक लाइट से अपनी गाड़ी को उठाते हैं तो 129 PS की पावर यानी कि 128 BHP और 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क एक बर्स्ट में दे सकता है। गाड़ी आपने देखा होगा जब आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें गियर में बहुत ही कम टॉर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस कंडीशन में आपकी यहाँ पर इसके अंदर एक एडिशनल गियर बॉक्स को भी दिया गया है जो कि आपने ड्राइव बाई वायर सिस्टम, इसमें शिफ्ट बाई वायर, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और एक चीज़ आपसे फन फैक्ट में शेयर कर देता हूँ इसका कि इंडिया में निसान किक्स का जो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है ये इसका M0 प्लेटफॉर्म है और इसमें जो इसकी लंबाई आती है 4384 mm आती है, जो इसकी विड्थ है 18
13 मिलीमीटर है और जो इसकी हाइट है 1656 मिलीमीटर है। व्हील बेस इस गाड़ी का 2673 मिलीमीटर है और एक तरीके से ओवरऑल काफी बढ़िया प्रोपोर्शन है इस गाड़ी का। साइज भी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेस्ट है, 210 मिलीमीटर का इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, 5.2 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस है और ये इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर का। लेकिन जो अभी आप गाड़ी थाईलैंड में देख रहे हैं और जो इसका न्यू लॉन्च करी है निसान किक्स, ये इसके वी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है। इसकी लंबाई है 4290 मिलीमीटर जो कि इंडिया वाली निसान किक्स से छोटी है गाड़ी और ये लोग इसको सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कहते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो न्यू निसान किक्स 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको केवल सीवीटी के साथ ऑफर किया जा रहा है, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन अभी नहीं दिया जा रहा है। ये सीवीटी है इसका एक्सट्रॉनिक सीरीज का सीवीटी ट्रांसमिशन जो कि इसका इंटरनेशनल सीवीटी सिस्टम है, 40% फ्रिक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 7 स्पीड आप इसको मैन्युअली अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं लगता है मुझे, एक पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन और एक रबर बैंड इफेक्ट वाले सीवीटी ट्रांसमिशन का, लेकिन निसान के सीवीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं कंपैरिजन टू होंडास। लेकिन फिर भी अगर इसमें मैनुअल या फिर डीसीटी या फिर एट द लीस्ट ऑटोमेटिक ही दिया जाता टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड, काफ़ी बढ़िया होता। वहीं अगर मैं आपको ले चलता हूँ थाईलैंड की ओर, तो थाईलैंड में आपको जो न्यू निसान किक्स मिल रही है जो कि ई पावर सिस्टम के साथ आती है, उसमें आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। ड्राइव मोड्स का मेन रिलेशन आता है जो इसका पूरा सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो एक जनरेटर को चलाता है, उस जनरेटर से आपकी लिथियम आयन बैटरी चार्ज हो रही है और उससे आपकी मोटर चल रही है, मोटर से आपके व्हील्स चल रहे हैं। काफ़ी सिंपल सिस्टम है और निसान ने एक तरीके का यहाँ ब्रिज बनाने की कोशिश करी है। ब्रिज इन द सेंस ये है कि आधे कस्टमर्स मार्केट में ऐसे हैं जो अभी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी लेना पसंद करते हैं क्योंकि उससे आप कहीं भी दूर जा सकते हैं, चाहे लद्दाख या फिर ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेटअप तैयार नहीं है, चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पेट्रोल पम्प मौजूद है। और वहीं आधे कस्टमर ऐसे हैं जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पसंद तो कर रहे हैं लेकिन रेंज की वजह से उनको नहीं ले पा रहे हैं, बार बार चार्जिंग में उतना टाइम वेस्ट होता है। इन सब चीज़ों के निसान ने इस गाड़ी को मार्केट में लाई है, जैसे निसान ने अपना प्रेस रिलीज हमको दिया है। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल या डीजल डालना है, अभी तो केवल पेट्रोल डालना है क्योंकि 1200 cc का पेट्रोल इंजन है और उससे आपका जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी आपको प्लग नहीं लगाना है और ऐसा सिस्टम इसमें दिया भी नहीं गया है। बाकी जो इसमें ड्राइव मोड्स आपको दिए गए हैं, एक तरीके से चार आपको इसमें ड्राइव मोड्स दिए गए, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और ईवी मोड दिया गया है। और ये क्योंकि बैटरी भी इसमें आपको मिलती है तो इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी एक फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे अगर आप डाउनहिल आते हैं या फिर इसमें अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक में रुकने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ एक्सेलेटर पैडल से अपना पैर हटाना होगा और जैसे ही आप एक्सेलेटर पैडल से अपने पैर को हटाएंगे, जैसे आपने देखा होगा आपकी MG की ZS EV है उसमें आपको कर्क्स करके मिलता है, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, वही कुछ इसमें भी मिलेगा। यानी कि जो आपका फिर व्हीकल का पूरा मोमेंटम है उसके कारण आपका जो अंदर ड्राइव ट्रेन दी है उससे आपका जनरेटर कनेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकली कपल हो जाएगा और फिर आपका व्हील जो आपका मोमेंटम है व्हीकल का वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में यूज़ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एक तरीके से जो रिटार्डेशन क्रिएट होगा जनरेटर में, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी। ब्रेकिंग सिर्फ आपको तभी अप्लाई करनी जब आपको बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ करनी है। उसी कॉन्सेप्ट में देखिए, जो पहला इसका नॉर्मल मोड है उसमें आपकी नॉर्मल आपको पावर एक्सेलरेशन फील होगी, जो आपकी बैटरीज है वो एक कंट्रोल्ड वे में आपको पावर देगी और जो रिटार्डेशन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो भी एक कंट्रोल्ड वे में की जाएगी। स्पोर्ट्स वे में दोनों, स्पोर्ट्स मोड में अगर आप आते हैं तो दोनों चीज़ एग्रेसिव हो जाएगी, यानी कि बैटरी बहुत ज़्यादा एक पावर आपको देगी और जो इसका पेट्रोल इंजन है वो भी ज़्यादा RPM पे चलेगा, जिससे बैटरी और तेज़ी से चार्ज हो और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो और मोटर को ज़्यादा पावर मिल पाए और जो ब्रेकिंग है रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। यहाँ जो मैं ब्रेकिंग बोल रहा हूँ वो सिर्फ रीजनरेटिव ब्रेकिंग ले रहा हूँ, जो नॉर्मल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग अपनी गाड़ियों में भी आती है ABS EBD, ये आप अलग रख दीजिए, वो सिर्फ इमरजेंसी में आप यूज़ करेंगे। और जो इकोनॉमी मोड है उसमें जो आपका पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा लोअर RPM पे चलेगा और ज़्यादातर जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं जो इसका EV मोड इसमें दिया गया है
इसमें एक सर्टेन आरपीएम तक और सर्टेन लोड तक, सर्टेन स्पीड तक आपको सिर्फ बैटरी पे ही रिलाई करना होगा, यानी कि आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपकी, मान लीजिए आप ट्रैफिक में क्रीप मोड में हैं, तो सिर्फ आपकी बैटरी से ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, और इंजन तभी किक इन होगा जब आपको या तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी पूरी, या फिर आप कभी फिर सडन एक्सीलरेशन करेंगे, फिर वो स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड की कंडीशंस अप्लाई होंगी। इसको जो अभी थाईलैंड में लॉन्च किया गया है, ये किया गया है 8,90,000 थाईलैंड भात में, जो कि अगर इंडिया में इसको कन्वर्जन करते हैं तो 21 लाख की इसकी बेस मॉडल है और 25 लाख में इसका टॉप मॉडल है। अब प्राइस इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि देखिए इसमें आपको इंजन भी चाहिए, मोटर भी चाहिए, जनरेटर भी चाहिए और बैटरी भी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर भी चाहिए, बाकी ऑक्सिलरी यूनिट भी चाहिए, और तो फ्रेम तो सब कुछ वही सेम है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, ये इसका वी प्लेटफॉर्म है और इंडिया में M0 प्लेटफॉर्म आता है। और एक तरीके से और बताऊँ, जो इसका पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये निसान लीफ में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है बहुत पहले से। जो इसमें मोटर आपको मिलती है, EM57 सीरीज की इलेक्ट्रिक मोटर है, 129 PS जो पावर दे रही है यही दे रही है, फ्रंट व्हील में लगी हुई है, और टॉर्क इसका है 260 न्यूटनमीटर का, जो कि क्रेटा से भी ज़्यादा है। 500 से लेकर 3008 RPM पर ये मोटर अपना पूरा टॉर्क दे देती है। ज़्यादा हाई स्पीड मोटरें नहीं है, तो ज़्यादा आपको एक वाइनिंग नॉइस जो आती है वो भी नहीं फील होगी। और जो इसका इंजन है 1.2 लीटर का 1200 cc का 3 सिलेंडर 12 वॉल्व पेट्रोल इंजन है, जो आप निसान माइक्रा गो गो प्लस में देख चुके हैं। इसमें एक अपडेट दिया गया जो कि इसका जीरो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसकी जनरेटर और इंजन में। इससे होगा क्या, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा इंजन और एक फील आएगा आपको, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चला रहे हैं। और ये इंजन की पावर आप जानते ही है, 67 BHP पहले डिस्कस कर लिए, और 104 Nm का टॉर्क है। फिर ये जनरेटर को ड्राइव करता है, उससे बैटरी चार्ज होती है, और अगर आपको कभी सडन एक्सेलरेशन चाहिए तो बैटरी सीधे इलेक्ट्रिक पावर दे देती है। फिर आप जानते ही हायर RPM में यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करने के लिए, हायर स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करने की गाड़ी की ज़्यादा पावर की यूज़ भी नहीं होती है। और इस गाड़ी का जो माइलेज अभी आ रहा है, कंपनी क्लेम कर रही है किक्स जो हाइब्रिड आप इसे कहेंगे, 85 माइल पर गैलन का इसका इंटरनेशनल माइलेज है, और इसे अगर आप KMPL में कन्वर्ट करेंगे तो 38 KMPL का माइलेज आपको देगी, यानी कि 38 KMPL का माइलेज देगी ये गाड़ी। और बहुत अच्छी बात है, कंपनी इसमें 10 साल की वारंटी बैटरी में दे रही है, और 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर आपको गाड़ी में मिल रही है। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया, एक हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस कहूँगा मैं इसे, एक क्रॉसओवर SUV। आप बताइए आपको कैसी लगी आपकी निसान किक्स का डिज़ाइन, ओनली डिज़ाइन आप कंसिडर कीजिएगा, बाकी जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद ये इंडिया में अगले 5 साल में आ जाए, लेकिन जो आपकी किक्स फेसलिफ्ट है ये निसान सेप्टेम्बर तक आपको मार्केट में ऑफर कर देगी। बाकी टर्बो इंजन तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका एक प्रॉमिसिंग डील लग रही है आपके लिए, तो आप ज़रूर इस पे जाइए। माइलेज भी इसका 15.8 KMPL कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन ये 13 से लेकर 12.5 तक आपको देगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और निसान GTR जो कि 2.5 करोड़ की गाड़ी है, उसकी इंजन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी आप बताइए, आपको 1200 cc का इंजन देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगा था गाड़ी में, लेकिन किस तरीके से उस इंजन को यूज़ किया जा रहा है और केवल 2500 RPM पे उसको मेंटेन किया जा रहा है पूरी जनरेटर को चलाने के लिए, जिससे और बेटर फ्यूल इकोनॉमी बैंड में वो काम कर पाए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको क्या नया आज जानने को मिला वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और निसान को इंडिया में इसको 5 साल तक लॉन्च करना चाहिए या फिर उससे पहले खरीदने के लिए भी आप तैयार हैं वो भी बताइएगा। और क्रेटा और सेल्टॉस और निसान किक्स, अब आपको बढ़िया लुक किसका लग रहा है, आप ज़रूर सेल्टॉस ही कहेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा जस्टिस कीजिएगा और बताइएगा जेन्युइनली आपको क्या लुक किसका ज़्यादा बेटर लगा और क्या इंप्रूवमेंट अभी भी हो सकते थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।